find the 30th term in the expansion of 9x minus 3 minus 3 root x. ठीक है, raise to power 18, raise to power 18, x is not equal to 0. ठीक है, answer. तो आप नाइन एक्स माइनस वन अपॉन थ्री रूट एक्स होल टू पावर 18, इस एक्सपेंशन में क्या करना है, 30th टर्म बताना है. कौन सा टर्म बताना है? 30th. तो इसके लिए जनरल टर्म लिखते हैं. तो जनरल टर्म के इक्वेशन क्या बन सकता है, सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर, ये होता ना. ठीक है, अब इसे वगैरह दीजिए तो आपको कौन सा टर्म निकालना, 30 टर्म निकालना, कौन सा टर्म निकालना, 30 है, 30 निकालना है. तो क्या होगा, ये 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस चीज को 12 प्लस 1. ठीक है, देखिए एन की वैल्यू क्या है, 18, एन की वैल्यू कितना है, 15 ना, तो यहाँ 18 भी दीजिए और सी, यानी कि आर की प्लस पे आ गया 12 आ गया, यहाँ 12 भी दीजिए, ए की प्लस कितना है 9x है, तो 9x भी दीजिए. ठीक है, 12 माइनस 18 माइनस 12. ठीक है, एन की प्लस पर 18, आर की प्लस पर 12, तो ना तो 18 माइनस 12 हो जाएगा, फिर माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन थ्री रूट एक्स, तो वन अपॉन थ्री रूट एक्स लिख दीजिए, होल टू पावर, देखिए जो चीज यहाँ नहीं था यहाँ पावर हो जाता ना, तो होल टू पावर 12 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो बन जाएंगे. अब इसको ओपन करते हैं, तो फैक्टोरियल ऑफ 18 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 12, फैक्टोरियल ऑफ 18 माइनस 12. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 एक्स रेज टू पावर 6. ठीक है, अब देखिए जैसे माइनस वन इवन पावर है, तो जो नेगेटिव नंबर पर इवन पावर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ना, जिसको पॉजिटिव लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 12 हो जाएगा ना, क्योंकि जो फिगर ऊपर में लिखे तो पावर हमारा इस पर भी आएगा, उस पर भी आएगा. अच्छा, जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब हाफ पावर, रूट एक्स का क्या मतलब है, 1/2 पावर, तो 1/2 इंटू 12, 1/2 इंटू 12 है ना. ठीक है, अब 18 को ओपन करते हैं, 12 फैक्टोरियल तक, कहाँ तक ओपन करेंगे, 12 तक है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 देगा, 12 देगा, तो मैक्सिमम तक ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, 12 से 12 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 17 इंटू 16 into 14 into 13 into factorial of 12 upon this equal to factorial of 12 into 6 factorial of 6 factorial of 6 equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into ये कितना हो जाएगा, इस इक्वल क्या लिखते हैं, 3 स्क्वायर क्या लिखते हैं, नेक्स्ट फिर इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर इनटू, अब पावर ओपन करेंगे ना,
18,564 देखें सर, 18,564 ये आंसर देखिए। अच्छा क्वेश्चन आंसर 7, इसके बाद आंसर 7 है, ये तो आपको हो गया 6 आंसर 7। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में मेडिकल करने का है, तो 3 माइनस 8 रेट को 3 बाय 6 रेट को 7, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, ये की वैल्यू क्या 7 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा एक ज्यादा होता है, पावर 6 ज्यादा होता है, ये आंसर आ रहा है। तो पावर 7 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 7 प्लस 1 दैट इज 8, कुछ इवन नंबर क्या है, इवन नंबर है ना, ये आपका इवन नंबर है, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, होगा इसको फैक्टर ले लेते हैं, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, इसमें दो मिडिल टर्म मिलेंगे, एक तो n / 2 मिलेगा है, n / 2 ऐड कर ठीक है, एक क्या मिलेगा n / 2 + 1 और टर्म है ना, इवन है तो दो टर्म मिलता है, 8 होगा तो एक टर्म मिलेगा। तो चलिए इसमें कितना हो जाएगा, 8 बोल 8 है तो 8 का हाफ क्या होगा, 4 हो जाएगा, 8 / 2 8 टर्म ठीक है, और 8 / 2 + 1 और टर्म ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 टर्म, ये हो जाएगा आपका 5 5th टर्म, तो आपको दो टर्म निकालना है, 4th और 5th, तो चलिए T4 निकालिए, तो T4 इसको कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं T3 + 1 हां, NCR n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू आपका जो है देखिए पार्टनर का क्या है, NCR a रेट फॉर n माइनस r br, तो n की वैल्यू आपको कितना है बताइए, 7, n की वैल्यू कितना है 7, यहां 7 लिख दीजिए 7, r की वैल्यू क्या है 3, r प्लस क्या गया आपका 3 आ गया है ना, तो 7 7 से 3 हो जाएगा, और फिर x के प्लेस में क्या है 3, एक प्लस थ्री है, थ्री रेट कॉस सेवन माइनस थ्री है ना, और फिर बी प्लस क्या है, बी प्लस पर आपका है माइनस एक्स रेट कॉस थ्री बाय सिक्स रेट कॉस, जो जो यहाँ रहता है सी थ्री सी आर आर की वैल्यू यहाँ पर रेट होती है, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा है ना, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो कितना देगा, T4 इक्वल टू T4 है।
ठीक है। अब चलिए टी फाइव निकालिए, टी फाइव कितना होगा क्योंकि दो मिडिल टर्म है, एक फोर है और एक फिफ्थ है, तो इसको लिख सकते हैं टी फोर प्लस वन, टी फोर प्लस वन। अब आर की वैल्यू फोर हो जाएगी, ठीक है, एम की वैल्यू सेवन है, तो सेवन सी फोर हो जाएगा, सेवन सी फोर इंटू थ्री एट फोर, फोर थ्री एट फोर सेवन माइनस फोर माइनस एस थ्री बाई सिक्स एट फोर फोर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सेवन सी फोर इंटू थ्री एट फोर थ्री इंटू ये प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स रेट पावर ट्वेल्व हो जाएगा क्योंकि माइनस पर इवन पावर होगा प्लस हो जाएगा, सिक्स रेट पावर फोर, तो यहाँ पर सिक्स रेट पावर फोर, तो सेवन सी फोर और सेवन सी थ्री इवन सेम होगा ना, क्योंकि इसको ले सकते हैं सेवन सी सेवन, सेवन सी सेवन माइनस थ्री ले सकते हैं, सेवन माइनस फोर ले सकते हैं, ठीक है। एन सी आर क्या होता है, एन सी एन माइनस आर होता है, एन सी आर क्या होता है, एन सी एन माइनस आर है ना, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेवन से सेवन माइनस थ्री ले सकते हैं, है तो हम तो इसकी वैल्यू सेवन सी फोर की वैल्यू सेवन सेवन सी फोर की वैल्यू सेवन सी थ्री के इक्वल होगा ना, तो सेवन सी थ्री की इक्वल लीजिए, तो हो जाएगा थ्री एट फोर थ्री, एक थ्री एट फोर ट्वेल्व, थ्री एट फोर फोर, ठीक है, इंटू टू एट फोर फोर, क्योंकि इसको सिक्स को ले सकते हैं थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, सेवन सी थ्री हो गया, सेवन सी थ्री ये हो जाएगा आपका एक्स रेट फोर ट्वेल्व, इसको नीचे ले लीजिए तो थ्री रेट फोर फोर माइनस थ्री हो जाएगा, टू रेट फोर फोर की वैल्यू सिक्सटीन, तो सेवन सी थ्री वैल्यू कितना आपने निकाला, सेवन सी थ्री की वैल्यू आपने निकाला, ये आपने पॉइंट किया सेवन सी थ्री वैल्यू थर्टी फाइव, ठीक है, सेवन सी थ्री की वैल्यू थर्टी प्लस सेवन थर्टी प्लस थ्री सेवन प्लस थ्री ये वैल्यू थर्टी फाइव फाइव, तो यहाँ पर थर्टी फाइव, ठीक है, ये आप यहाँ पर थ्री बचेगा और ये सिक्सटीन है तो थ्री इंटू सिक्सटीन क्या हो जाएगा फोर्टी एट अपॉन फोर्टी एट इंटू ये थ्री इंटू फोर, ये आप आंसर हो, ठीक है, देखिए आंसर क्या है, एक टर्म एक टर्म ये है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर रेट आ जाए, आंसर रेट एक में क्या एक्स बाई थ्री और प्लस नाइन वाई रेट फॉर टेन है ना, इससे नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म जो है एन प्लस वन, टेन प्लस वन रेट इज इलेवन है ना, रेट इज आठ, तो आठ में एक मिनट टर्म होगा ना, फाइव फाइव इंटू फोर इंटू थ्री
मल्टीप्लाई करके बताइए आपके 61,236 या 8 to power 5 y 8 to power 5 आंसर देखिए क्या दे पढ़िए आंसर नंबर 8 6 1 2 3 6 हां या 8 to power 5 y 8 to power 5 ना